अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने लगे हैं गुड़ वाले चावल। ये इसके लिए मेरे पास 650 ग्राम चावल हैं, जिन्हें मैंने 15-20 मिनट पहले साफ़ करके भिगो दिया था। गुड़ मैंने लिया है तकरीबन 500 ग्राम। ये मैंने चावलों से थोड़ा कम ही लिए। शीरा बनाने के लिए मैं पानी यूज़ करूँगी आधा कप। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये आप अपनी पसंद से यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें ये बादाम लिए, गर्म पानी में डाल के इन्हें मैंने 2-3 मिनट रखा, फिर इन्हें छील लिया। ये मेरे पास नारियल है, इसे मैंने बारीक काट लिया। किशमिश यूज़ करेंगे हम, ये तकरीबन छोटी आधी प्याली है। एक टेबल स्पून मैं यूज़ करूँगी सौंफ, 2 स्टिक दालचीनी की मोटी इलायची, 2 अदर, 4 अदर मेरे पास छोटी इलायची, आधा कप हम ऑयल यूज़ करेंगे, आप इसे देसी घी में भी बना सकते हैं, 1 टीस्पून नमक यूज़ करूँगी चावलों को उबालने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं मीठे चावल पकाना। सबसे पहले हम शीरे की तैयारी करते हैं। पैन में मैंने पानी डाल दिया, अब हम इसमें ये दूध डाल देंगे। आधा कप पानी मैंने यूज़ किया था, ये थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें मैं ये तकरीबन 2 टेबलस्पून पानी और डालूंगी और इसे स्लो फ्लेम पे हम शीरे को तैयार करेंगे। देखिए 4-5 मिनट तकरीबन लगे हैं और इसी तरह मैंने चम्मच के साथ इसे दबा दबा के जो थोड़ी बहुत गुठलियाँ थी जुड़ गई वो ख़त्म हो गई हैं और हमारा ये शीरा रेडी हो चुका है। अब फ्लेम को हम करते हैं बंद और इसे लेते हैं छान। ये इसे थोड़ी देर रखा रहने दें शीरे को, ताकि जो इसमें मट्टी रेत कुछ भी छोटे मोटे ज़रात हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, तो फिर हम इसे छलनी से छान लेंगे। तो मैंने इसे थोड़ी देर रखा है, अब हम इसे छान लेते हैं। ये छोटे छोटे से ये बिल्कुल गंद सा निकला, तो इसी तरह आप छान के गुड़ को यूज़ कीजिए। तो चलिए अब हम चावलों को बॉईल कर लेते हैं। पानी में बॉईल आ चुका है, तो मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी। अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल मैंने ऐड कर दिए, तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे और हमारे चावल बॉईल हो जाएंगे। तो आप अपने चावलों का और फ्लेम का हिसाब रखते हुए चावल बॉईल कीजिएगा। तो चावल बॉईल होने तक इन्हें पकने देते हैं, फिर हम इन्हें छान। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं, इसे हम 90% तक कुक करेंगे। तो मैं इसे अब छान लेती हूँ। फ्लेम को करते हैं हम बंद। डाल दिया, इसमें डाल दी, उसके बाद प्याज ऐड कर देंगे। तकरीबन 30 सेकेंड में इसको फ्राई करेंगे। 30 सेकेंड के बाद मैंने खोपरा डाल दिया, किशमिश डाल दिए, बादाम, सारी चीज़ें ऐड करके बस हम इसे ज़्यादा पकाएंगे नहीं। इसे भी हम 30 सेकेंड के लिए इस तरह हलाएंगे। अब मैं इसमें शीरा ऐड कर दूँगी। चावल ऐड कर देंगे। याद रहे कि चावल बॉईल करने के बाद थोड़ी देर आप इसे खुली हवा में ज़रूर रखिए। अच्छी तरह इन्हें मिक्स करेंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, तो देखिए बस हम इसे तकरीबन 2 मिनट ही पकाएंगे। और ये देखिए बिल्कुल शीरा इसके साथ चिपक गया चावलों के साथ। दम पे लगा दूंगी 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए, चावलों को दमा चुके हैं, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे बने। चलिए अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। फिर चावल हमारे रेडी टू सर्व हैं, बहुत मज़े के बने हैं, बहुत खिले खिले से बने हैं। ये सर्दियों की खास डिश है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो खुद खाइए, अपने मेहमानों को खिलाइए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।